अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और बड़ी मज़ेदार सी आज रेसिपीज़ बन रही है और मुल्क के हालात भी बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हो गए हैं। ऐसा लग रहा है सबको कैद किया हुआ था और कैद से छूटे, अब 11-12 बजे तक तो ऐसे ही बाज़ारों में रौनक हो रही है, लोग ऐसे घूम रहे हैं। असल में मैं छत पे जब जा रही होती हूँ ना, तो हमारा घर इस तरह से कि रोड वगैरह सारे चीज़ें नज़र आ रहे हैं, तो बाइकों पे बच्चे, फैमिली, ये सब सारे, मैंने कहा देखें आज़ादी कितनी ज़रूरी है। इंसान कितना वो हो जाता है जब इंसान को एक जगह बंद कर दिया जाए, एक जिस तरह से एक जगह उसको कैद कर दिया जाए, तो कितना इंसान बेबस हो जाता है। तो जैसे ही लॉकडाउन का खुला है तो लोग कैसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं हर जगह से। तो यही बात जहन में रखें कि अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि अल्लाह की ज़ात ने हमें कई सालों से, कई अरसे से हम लोग आज़ाद हैं, अपने मुल्क में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जैसे कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में देखो उन लोगों को, पे सोचो उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। वो लोग बेचारे कितने अरसे से अंदर बंद हैं, फ़ोन कनेक्शन उनके सारे ख़त्म हो गए हैं, बाज़ारों का सारा। तो मैं हमेशा एक चीज़ का यही कहती हूँ कि हमेशा अल्लाह की ज़ात से करोड़ों शुक्र अदा करो हर चीज़ के लिए। जब आपके मुँह से कोई, आप बाज़ार जाते हो, आप शॉपिंग करते हो, तो अल्लाह उस टाइम पर आपके मुँह से निकलना कि अल्लाह ताला शुक्र है परवरदिगार। खाना खा रहे हो तब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी, आप हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह की ज़ात भी बड़ी खुश होती है कि ये देखे मेरा बंदा कितना शुक्र अदा करता है। आप चाहे किसी हाल में भी हैं, तो सबसे बड़ी बात है ये आज़ादी, आज़ादी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं नोट कर रही थी, मैंने कहा लोग किस तरह से, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनको, हालांकि 5-6 बजे तक का तो जो होता था, लेकिन अब ये कि भाई आप लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो अब आप बाज़ार, शॉप्स वगैरह सारी खुल जाएंगी। तो बस यही कहने का मकसद था, खुश हों, आज़ादी के लिए तैयारी करें। अभी इंशाल्लाह हमारी 14 अगस्त आने वाली है, खूब दिल खोल के अपना इस आज़ादी को सेलिब्रेट करें, अपने घरों पर झंडे लगाएँ, झंडियाँ लगाएं और कोशिश करें कि ग्रीन और वाइट ड्रेस ज़रूर पहनें ताकि पता चले कि हम आज़ाद हैं और हम अपने मुल्क के अंदर हैं और इस मुल्क में जिसने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं और उसके साथ एक खूबसूरत सा, जो कहते हैं ना, ये सबसे खूबसूरत जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, जिसमें अमन, सुकून, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, दो रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं काबली पुलाव, बड़े मज़ेदार बनता है। मैं हमेशा ईद पे तो हमारे ज़रूर बनता है, जब बीफ का गोश्त होता है, बड़ी बड़ी बोटी तो ज़रूर बनता है। इसके साथ बना रहे हैं एक भिंडी कीमा, ओह क्या मज़ेदार भिंडी कीमा। तो आज की दो रेसिपीज़ हैं, लेकिन दोनों रेसिपीज़ जो हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की है। तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, हम पुलाव की तरफ, इसके अज्जा आपको बताते हैं। इसके लिए हमें चाहिए भीगे हुए चावल, आप आधा किलो ले लीजिएगा, और गोश्त ले लीजिएगा, वो भी आपने बड़ी बोटी वाला आधा किलो, ठीक है। गाजर ले लीजिएगा 750 ग्राम, ठीक है, 750 ग्राम गाजर ले लीजिएगा, और 100 ग्राम आपने किशमिश लेनी है, 100 ग्राम आपने बादाम लेने हैं, प्याज ले लीजिएगा 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल तकरीबन 250 ग्राम के जितना, पिसा गरम मसाला तकरीबन 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, उसके साथ चीनी 2 खाने के चम्मच, ठीक है जी। तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं पुलाव, ये बड़े मज़ेदार से होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि काबली पुलाव जो कहते हैं कि वो चनों से होता है, हम कहते हैं ना काबली चने, जिस तरह से जहन में लोगों को ये होता है कि काबली पुलाव वो होता है जो सफ़ेद चने के, हालांकि वो काबली पुलाव नहीं होता, वो चने का पुलाव होता है। लेकिन ये जो गोश्त का, दुम्बे के गोश्त का बनता है, बकरे के गोश्त का बनता है, बीफ का बनता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, साथ में इसमें गाजर डाली जाती है, बहुत सारे लोग इसमें एप्पल्स भी डालते हैं, सेब भी डालते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट होता है। और बाकी ये कि अब रेसिपी जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप भी देखिएगा कि कितने मज़ेदार ये बनता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा गाजर को कटिंग करके रख लेती हूँ, लेकिन अब हम ऑन एयर आ गए हैं तो मैंने इसको छोड़ दिया, गाजर को हम बाद में काटेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि ये गोश्त था जिसको मैंने आधा तो हाफ डन कर लिया था घर में, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कच्चा है। हमेशा मेरी कोशिश यही होती, बल्कि हमारे सारे शेफ्स की यही कोशिश होती है कि गोश्त जो है बहुत अच्छे से गला होना चाहिए। जब तक गोश्त अच्छा गला नहीं होगा तो आपको जो आप बनाएंगे जो भी खाना, चाहे वो चिकन हो, बीफ, मटन हो, तो खाने का मज़ा नहीं आता। ज़ाहिर है वो फिर रह जाती हैं साइड पे बोटियाँ, दोबारा फिर वो पकता नहीं है। तो ये मैंने देखे ज़रा बड़ी बड़ी बोटियाँ ली थी गोश्त की, ये देख लीजिएगा इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ। तो इसको अभी मैंने इधर रखा है बॉईल करने के लिए, और ये मैं चाह रही थी कि बहुत अच्छे से गल जाए, नरम बिल्कुल गोश्त हो जाए। तो अब इसको क्या है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो बाकी का, बाकी की तैयारी है वो हम करेंगे। थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, इसको यहाँ पर रखेंगे और ये हम तैयारी कर लेते हैं यहाँ पर। चलें जी, बिल्कुल हल्का चूल्हा,
मे बी कि ड्यूरिंग ब्रेक अगर मुझे लगे कि सही गला नहीं है तो मैं इसको प्रेशर कुकर में भी डाल दूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे प्याज और साथ में मुझे यहाँ पर गाजर को जो आप होता है ना थोड़ा सा कैरेमल सा बना के कैरेमलाइज करके फिर उसके बाद ऊपर से वो डाल देता है तो ये इसका ये होता है कि थोड़ा सा मज़ेदार सा स्वीट इसका टच होता है, मतलब थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा वो नमकीन होता है। हरी मिर्ची वगैरह नहीं होती, स्पाइसी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा मीठा होता है। ज़्यादातर ये बनता है दुम्बे के गोश्त का, तो दुम्बे का गोश्त अभी इतनी आसानी से तो आपको पता है यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। जिन्होंने कुर्बानी की होगी उनके घरों में तो होगा, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे प्याज और ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलेंगे प्याज को अच्छा सा खूबसूरत सा कलर देंगे, ब्राउन करेंगे। ये मेरे पास है 2 अदद प्याज, ठीक है। 2 प्याज ले लेते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज के साथ यहाँ पर हम गाजर को भी, अगर गोश्त मुझे लगा नहीं गला सही तरह से तो फिर गाजर को भी हम क्या करेंगे इसके अंदर अलग से फ्राई करके रख लेंगे ताकि जब हम डिश में निकालें तो ऊपर से इसके अंदर गाजर डालें, ठीक है। प्याज को अच्छा सा कलर देते हैं। सिंपल मसाले थे, ज़्यादा नहीं है, काली मिर्च और इसी हम बना रहे हैं। लेकिन ये कि बहुत दफ़ा ऐसी होती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे काली मिर्च चिकन होता है, काली मिर्च गोश्त होता है, चॉप्स बनती है वो भी बड़े मज़े की होती हैं। चलें प्याज को हम करते हैं। अच्छा, जो भिंडी कीमा बना रहे हैं ये थोड़ा सा चेंज है, इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करते, वरना भिंडी करेले में हम प्याज ज़रूर इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें हम नहीं करते। चलेंगे प्याज को रखा है, अच्छी तरह से प्याज जो है हमारा ब्राउन हो जाए, कलर देंगे खूबसूरत सा। बहुत सारे लोगों ने गोश्त ज़ाहिर है ईद के बाद होता है घर में ला के रखते हैं अपने, ज़्यादातर तो लोगों की आजकल तो बल्कि ज़्यादा ही मैंने इस दफ़ा देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने यही किया है कि अपने फ्रीज़र ही भर दिए हैं। तो खैर आपको पता है ज़्यादा टाइम तक ये गोश्त खाया नहीं जाता, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा आप घर में रख के खा नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ बड़ी मैंने लोगों की देखी तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े शॉपर लिए, उनके अंदर गोश्त भरा है और घर भर के फ्रीज़र में रख दिया, ठीक है। अब कल पकाना है, पूरा थैला निकलेगा, बाहर रखा रहेगा ओवरनाइट, डी फ्रोस्ट होगा, फिर उसमें से जो खींच तान के गोश्त निकलेगा, फिर दोबारा उठा के उसको फ्रीज़र में रखा जाता है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप निकालें गोश्त को, धो लें, धो के उसके छोटे छोटे जैसे 1 किलो 2 किलो के जितना आप गोश्त इस्तेमाल करें उसके पैकेट बनाएं, पैकेट बनाकर आप फ्रीज़र में रख लें। क्या होता है कि हम बार बार गोश्त को बाहर निकालते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। ज़ाहिर है आपने डी फ्रोस्ट किया फिर उसको फ्रिज में रखा, अगर आप रख ही रहे हैं तो उसको बॉयल करके रख लें, उबाल के, जब खासतौर पर बीफ का गोश्त तो मैं तो यही करती हूँ बॉयल करके वो रख लेते हैं, तो बॉयल करके रख लें। उससे ये होगा कि आपको वो जो जायका भी वो नहीं रहेगा और दूसरा वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने कब मेरे जाना हुआ एक जगह पे तो मैंने उनके यहाँ देखा तो उन्होंने यही किया हुआ था, तो मैंने खैर उनको भी एक ये बता दिया कि आप इसको छोटे पैकेट बना के रखें। चलिए इसको करना है अच्छा सा ब्राउन करना ताकि हमारे राइस का जो कलर है वो अच्छा खूबसूरत सा ब्राउन प्याज का कलर आ जाए, ठीक है। अच्छा, आप जब बाज़ार में जा रहे होते हैं, जब बाज़ार में आप कभी खा रहे होते हैं जैसे बाहर के रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, अलग से गोश्त को बॉयल करके उसको काली मिर्च नमक के साथ फ्राई करके जब सर्व किया जाता है तो क्या होता है कि ऊपर से गोश्त को तोड़ के वो डाल के वो सर्व किया जाता है, तो बड़ा अच्छा लुक आता है। तो उससे ये होता है कि बड़ा अच्छा सा वो लगता है गोश्त का, और यखनी जो है यखनी के अंदर राइस बन जाते हैं। तो मैं भी अभी इसी तरह से करूँगी, गोश्त को अलग रख लूँगी, थोड़ा सा उसको फ्राई करके वो करके जब मेरी यहाँ पर डिश पे, इसलिए कि हमारी जो रेसिपीज़ जब यहाँ पे बन रही होती हैं, डिशेज़ जब बन रही होती है तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा फोटोशूट होता है मैगज़ीन का। देखिए जो हमारे मसाला फूड मैगज़ीन है उसके ऊपर प्रॉपर शूट होता है, तो शूट के अंदर वो अच्छा खूबसूरत सा लुक आना चाहिए खानों का। ज़ाहिर तस्वीर के अंदर एक अच्छा जब लुक आता है तो पता चलता है कि बना वही बड़ा मज़ेदार का। अच्छा जी, ये प्याज हमारा थोड़ा ब्राउन हो रहा है लेकिन मैं इसमें कम ऑयल डाला जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाना है ताकि इस चारों तरफ से इसका कलर आ जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं यहाँ पर कलर दूँगी, ये वाइट वाइट नज़र आ रहा है, इसको हमने वाइट जो है,
अच्छा खुले बर्तन में इसलिए कर रही हूँ, अमूमन तो जो राइस बने जाते हैं वो पतीली में बने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कढ़ाई में बनाने का रीज़न क्या होता है कि ताकि खुला बर्तन होगा तो आपको इसमें नज़र आएगा कि हम जो राइस बना रहे हैं उसमें कितना पानी डला है, किस तरह से हमने उसको दम में देना है, ये सारी चीज़ों का होता है। वरना तो ये कि राइस हमेशा आपको पता है पतीले में बनते हैं। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करें शेफ कुकवेयर का इस्तेमाल करें जो मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त इनके जितने भी बर्तन होते हैं बड़े अच्छे बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं, तो मैं तो सबको यही कहती हूँ भाई इस फैसिलिटी से फ़ायदा लें। अब अल्मोनियम के बर्तन को निकाल कर साइड पर करें, अब नॉनस्टिक इस्तेमाल करें और उसका जो कलर जो है वो भी नहीं उतरता, और उसके अलावा ये होता है कि इसका जो कहते हैं ना पायदारी इतनी है, इतना मजबूत है कि कई सालों तक आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, आप जाकर वहाँ पर सर्च करें और वहाँ पर ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, प्याज का कलर आ गया और मुझे ऐसा ही डार्क कलर चाहिए ताकि मेरा जो राइस है उसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन आए। ठीक है, ये देख लीजिएगा लहसुन इसमें डाला, इसमें मैं डालूँगी स्टॉक थोड़ी सी, पहले थोड़ी सी यखनी डालते हैं ताकि यखनी से क्या होगा कि इसका जो प्याज जो है वो रंग छोड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से चूल्हा जलाएंगे और फिर ये जो गोश्त हमारा गल चुका है काफ़ी हद तक ये भी हम इसमें डालेंगे। ठीक है, अच्छा जी, चीनी जो है हमने अभी इसमें पुलाव में नहीं डालनी है, चीनी हम आखिर में जब ड्राई फ्रूट और उसके बाद गाजर को हम जब थोड़ा सा कैरेमल सा बनाकर उसके अंदर करेंगे तो फिर हम चीनी डालेंगे। अभी डालेंगे इसमें जाएगी काली मिर्च, नमक, ठीक है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, एक खाने का चम्मच चाहिए, बाद में भी हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। चलिए जी, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से अब इसको ऑन करते हैं ताकि प्याज जो है वो अपना रंग छोड़े। यहाँ पर गोश्त भी इसमें जाएगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा देर में इसको रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा गोश्त जो है यहाँ पर अलग से थोड़ा पक जाए और यहाँ पर जो प्याज है वो उसका कलर जो है वो निकले और फिर ताकि राइस हम जो है वो राइस डालेंगे। राइस को मैंने पहले से सोक करके रख दिया है, कम से कम आधा घंटा आपने पौना घंटा पहले इसको भिगो देना है। वैसे तो मैंने सेला चावल लिए, सेले चावल को तो जितनी देर आप भिगो सकते हैं भिगोएं तो ताकि वो अच्छी तरह से वो फिर खिला खिला के एक दाना होता है। बाकी बासमती का तो आपको पता है 30 मिनट के लिए चाहिए होता है। अच्छा जी, चूल्हा जला नहीं है। अच्छा जी, अभी हमने कुछ भी नहीं करना, बस इंतज़ार करने हैं, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे फिर उसके बाद एक दफ़ा प्रॉपर तरीके से आपको पूरी रेसिपी का रिकैप करेंगे और उसके अलावा हमारे रेसिपीज कार्ड भी आते हैं उसको भी आप नोट कीजिएगा। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बन रहा मज़ेदार सा काबली पुलाव और यहाँ पर मैंने आपके सामने प्याज ब्राउन किया, लहसुन डाला, नमक डाला, काले मिर्च डाली और पानी, बल्कि पानी भी यखनी डालकर मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास राइस है भीगे हुए, ये चावल डालेंगे, चावल डाल देते हैं। और ये मेरे पास जो गोश्त जिसका मैंने कहा था कि मैं इसको अच्छी तरह से गलाकर और मैं इसको हल्का सा फ्राई करके, ये बड़े बड़े पीसीज हैं, इसको मैं ऊपर से जब हम देखेंगे कि राइस हमारे पूरे रेडी हो गए फिर हम ऊपर से डालेंगे। तो फिलहाल मैं इसको इसी में रखती हूँ, स्टॉक तो मैंने डाली दी है, यखनी डाली दी है, तो ये बाद में मैं दम में ऊपर से डालूंगी। अभी मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रख देती हूँ, हल्का सा ऑयल डाल के इसको फ्राई करके ज़रा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे फिर हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने राइस डाल दिए, राइस को भी पकने देंगे। दूसरी साइड पर हमने जो इसकी ऊपर जब हम इसको सर्व करेंगे तो उस टाइम पर हमें ये गाजर, ठीक है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स, बादाम, किशमिश, ये तो ये मैं डाल देती हूँ। इसमें चीनी तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 टेबलस्पून कितने चीनी, 1 टीस्पून कितना इसमें ऑयल भी डाल देती हूँ, इससे ये वो चीनी जो है एक जगह जुड़ेगी नहीं। बस इसको अच्छी तरह से कलर देना है, गोल्डन वाला कलर। चले जी, चले इसको मैं ढक देती हूँ
ये पुलाव मैंने खाया था जब मैं दूसरे चैनल पे होती थी, मेरे पास एक ड्राइवर था, उस अफगानी थे वो लोग, तो वह जब मेरा शो ख़त्म होता था 1 बजे का टाइम होता, कहता बाजी आप हमारे घर चलिएगा खाना खाने, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कह रहा आप चले ना, आपको मैं बहुत मज़ेदार वाले चावल खिलाऊँगा, तो मैंने कहा अच्छा चलते हैं। एक उनके घर में ये बना हुआ था, ये यहाँ पे ही रहते हैं अपने क्या नाम लेते हैं, ऑफिस थोड़ा सा दूर ही है इधर, वहाँ पर वो रहते थे, तो क्या नाम लेते हैं, ये बना हुआ था पुलाव बना हुआ था और साथ में एक चिकन का सालन, इतना मज़ेदार मैं आपको क्या बताऊँ कि जिसकी कोई हद नहीं। चिकन के सालन में कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े पीसीस थे, पतला शोरबा था और उसके अंदर वो ज़रा सी हल्दी, काली मिर्च, नमक डला हुआ था। तो वो कहने लगे बाजी ये अफगानी शोरबा है और ये अफगानी चावल है। तो मैंने उनके घर में अपने ड्राइवर के खाई थी, बहुत साल पहले की बात है, लेकिन मुझे वो टेस्ट अभी तक याद है। और फिर मैंने ये फिर वहीं पर मैंने अपने चैनल पर बनाए थे, तो फिर आज भी मैं वही रेसिपी कभी कभी शेयर कर देती हूँ, लोगों की फरमाइश भी आती है तो फिर मैं शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने खाए थे, मेरे तकरीबन 12 साल पहले की बात होगी जब मैंने खाए थे। चले जी इसको थोड़ा सा कम करती हूँ मैं यहाँ पर, आपने इसको जलाना है, ठीक है, हल्का सा इसको कलर दीजिएगा ताकि वो गोल्डन कलर सा आ जाए। थोड़ा सा मैंने ऑयल भी इसमें डाल दिया, पानी भी हम डालेंगे लेकिन अभी नहीं। ये अब इसका कलर आया, अब ये कि आपने चूल्हा बंद कर देना, पानी जब डालिएगा चूल्हा बंद करके, वरना क्या होता है कि ये फिर उड़ना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए कलर आया गोल्डन, ये मैंने इसका चूल्हा बंद किया। बंद करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे किशमिश, ये मेरे पास है किशमिश, ठीक है, ये पानी के साथ ही डालेंगे। और ये बादाम है, इसको थोड़ा सा छीलना है। चलो जी ये थोड़ा सा इसमें और पानी डालूंगी, बस ये अब सही है, ठीक है, उतना सही है। ये देखें अब इसके अंदर बादाम और साथ में इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे राइस पहले आ जाए दम पे, राइस यहाँ पे हो रहे हैं, थोड़ा सा बस इसको ढक के रखते हैं। अच्छा जी अब भिंडी के भी अज्जा आपको बता देते हैं, ये तो तकरीबन रेसिपी हो ही गई है। गोश्त ये जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इसको हल्का सा फ्राई करूँगी, थोड़ी सी काली मैंने नमक डाल के, तो ये गोश्त को क्या करेंगे ये हम ऊपर से इसके ऊपर डालेंगे, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा और ये बड़ा पक जाए, गल जाए खूब अच्छे से। थोड़ी सी काली मिर्च, नमक और पिसा गरम मसाला ये भी इसी में डाल देती हूँ। गोल्डन गोल्डन सा किया हुआ थोड़ा सा, इसको अगर आप रेशे करके डाल दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, नमक मैंने पहले डाल दिया था, चले जी गला हुआ है लेकिन और भी मज़ीद गलना चाहिए। ये थोड़ा पीस मुझे बड़ा लग रहा है, इसको मैं देख लेती हूँ, अगर ये नहीं गला तो इसको मैं नहीं, गल तो गया बड़ा अच्छा सा, ठीक है, थोड़ा इसको हम इस तरह से खोलते हैं, ये देखिए। अब इसको मैं कवर करती हूँ ताकि थोड़ा सा ये यखनी के साथ ही रहे। यहाँ पे राइस हमारे, ये बादाम काट के, ये मैं ऐसा करूँगी कि ड्यूरिंग ब्रेक में इसमें बादाम काट के डाल देती हूँ, और उसके बाद बाकी जो है कि हम भिंडी को भी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि भिंडी भी हमारी हो जाए, ठीक है। तो ये मैं बादाम का आपको बताती हूँ, ये मैंने क्या करना है ड्यूरिंग ब्रेक ही, ये मैं करके इस तरह से बड़े बड़े पीसेस ये सारे, तो ऐसा करते हैं ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर हम भिंडी को स्टार्ट करेंगे और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बस चूल्हा बंद कर देते हैं। ये देख लीजिएगा ये गाजर, इसके बाद किशमिश, शुगर, कैरेमल, ये सारी चीज़ें ये मैंने इसको यहाँ पर ये कर दी, ठीक है। ये मैं अभी नहीं डालूंगी, जब राइस मेरे रेडी हो जाएंगे पूरे फिर बाद में डालूंगी, तो ये मैं फ़िलहाल यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ। चलें जी अब हम यहाँ पे राइस दम पे रखे हुए हैं,
फिलहाल मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, सिर्फ इसमें पिसा गरम मसाला डालना है। अब सेकंड रेसिपी की तरफ ही चलते हैं, इसलिए कि हमारी जो फर्स्ट रेसिपी है तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, बड़ी मज़ेदार किस्म की। ये मैं चूल्हे पर दम पर रखती हूँ राइस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा जो हम बना रहे हैं। बड़े मज़ेदार से कीमा भिंडी, बड़ी डिफरेंट तरह की और बहुत ही मज़ेदार किस्म की, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बगैर प्याज वाली बन रही है और जब आप ये बनाएंगे तो आपके घर वाले बड़े खुश होंगे। इसके लिए क्या है, चिकन का कीमा आधा किलो चाहिए, 250 ग्राम भिंडी चाहिए, आधा किलो टमाटर चाहिए, हरी मिर्चें 6 दर्द, आधी गड्डी हरा धनिया चाहिए, इसके साथ पिसी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय के चम्मच, आमचूर 2 चाय के चम्मच, पिसा गर्म मसाला 1 चाय के चम्मच, मेथी 1 खाने के चम्मच और ऑयल आधा कप और अदरक लहसुन का पेस्ट जो चाहिए इसके अंदर हम लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डालती हूँ ऑयल। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तकरीबन आधा कप, आपको पता है ज़रा सा इसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा डलता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑयल डाल देती हूँ। और ये मेरे पास है कीमा चिकन का तेज़ आग पर, आप बीफ का भी ले सकते हैं, आप लोगों के घरों में होगा ज़ाहिर है। इसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पर काली मिर्च, ज़ीरा, कसूरी मेथी, ठीक है, ये कसूरी मेथी, इसके बाद हल्दी, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी, ज़्यादा हरी मिर्चें जाएंगी, अदरक लहसुन, नमक, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, आमचूर और पिसा गरम मसाला मैं बाद में थोड़ा डालूंगी। ठीक है, इसको तेज़ आग पर हमने भूनना है। ये शेफ़ कुकवेयर में बना रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा शेफ़ कुकवेयर, ज़बरदस्त किस्म के इनके बर्तन हैं, बहुत ही आला क्वालिटी के, डबल कोटिंग के साथ, ऑनलाइन आप इसको मंगवा सकते हैं। प्रेशर कुकर इनका बड़ा ज़बरदस्त है और उसके अलावा सारे यूटेंसिल्स इनके बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, हाई फ्लेम पे कीमा हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए इसमें आधा किलो के जितने टमाटर, मैं इसी में डाल देती हूँ, मेरा बॉल साफ़ ही है। ये मेरे पास ये आधा किलो हमें टमाटर चाहिए, ये मेरे पास आधा किलो टमाटर, ठीक है। टमाटर थोड़े से महंगे हो गए हैं लेकिन ये है कि आप इसको ट्राई करेंगे तो आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का बना है। ठीक है, इसको करते हैं छोटे छोटे से टुकड़े, यहाँ पर डाल देते हैं टमाटर को, ठीक है, आधा किलो टमाटर, आधा किलो कीमा, 1 पाव की जितनी भिंडी, भिंडी वैसे लीजिएगा आप तकरीबन आधा किलो की जितनी भिंडी ले लीजिएगा, ताकि साफ़ करेंगे तो उसके अंदर आपको इतनी मिल जाती है, वरना तो आपको पता है कि अगर 1 पाव भिंडी लेंगे तो उसमें से तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सफाई के बाद वो इतनी ही निकल आती हैं। चलें जी, अब आपको पता है डेली का हमारा क्या होता है, हमारे जितने भी शोज़ चल रहे होते हैं सारे शोज़ के अंदर आप देख रहे होते हैं कि एनएक्स आपको देता है गिफ्ट, ठीक है, एनएक्स आपको देता है गिफ्ट और वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बड़ी अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही आला किस्म के एनएक्स आपको गिफ्ट देता है। और मैं समझती हूँ कि जिन लोगों के घरों में गया होगा उनके आधे से ज़्यादा काम हो जाते हैं। अब आज जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये एनएक्स का ब्लेंडर है, ठीक है, इतना ज़बरदस्त ब्लेंडर है, ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ, ठीक है। एनएक्स का हम ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप लस्सी बना लें, टोमेटो को पीस लें, आप इसके अंदर कुछ भी जो भी आपने काम करना है आप इसमें। और एक चीज़ होती है, जब हम ब्लेंडर चला रहे थे तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है कि पानी का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि वो पीस जाए। अच्छा, इसका ये है कि इसमें आपने बहुत कम पानी इस्तेमाल करना, अगर ना भी इस्तेमाल करें जब मैं थोड़ा सा आपको चला के बताती हूँ तो उसमें भी ये आराम से पिस जाते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको शेक करते रहना है और आराम से इसमें पिस जाते हैं। वरना क्या होता है कि आपको इतना पानी इसमें डालना पड़ता है और उसके बाद आपने ब्लेंडर चलाना पड़ता है, ठीक है। एनएक्स के ब्लेंडर हैं, ग्राइंडर है, इसके अलावा यहाँ पर एनएक्स की जूसर मशीन है, साथ में एनएक्स के आपको मिलेंगे यहाँ पर, मतलब इतनी सारी वैरायटी हैं की और बड़ी सस्ती चीज़ें हैं। सही बात है, मैंने भी अपनी बेटी के लिए काफ़ी सारा सामान लेके रखा है, एनएक्स का ही लेके रखा है, तो बस आप भी लेकर आएँ, मंगवाएँ, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। चलिए, ये हमने
टमाटरों को पीस लिया और देखिए कितनी जल्दी कितनी तेज़ मशीन चलती है इनकी एनएक्स की। यहाँ पर डाल दें, इनकी आयरन बहुत अच्छी है। उसके अलावा इनके जो हम इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल स्लाइसर है, ये सारी चीज़ें जो है एनएक्स की आप भी घर में ला के रखें और आधे से ज़्यादा जो आपका काम है ना ये एनएक्स कर देता है। अच्छा जी, ये देखिए तेज़ आग पर मैंने इसको कीले को भूनने के लिए रखा, इसमें डाल दिए टमाटर। ये देखिए अब इस, अच्छा जी सीमा से बात करते हैं, डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो गुजर गई लेकिन ईद की रेसिपीज अभी चल रही हैं। भाई गोश्त तो जब तक आप लोगों के फ्रीजर में होगा तो हम तो रेसिपीज आप लोगों को बताते रहेंगे जी। मज़ेदार हो, मुझे आपसे कुछ पूछना भी था जी। बोले, मुझे ना मटन कुन्ना की रेसिपी चाहिए थी और निहारी के मसाले की। अच्छा, आप ऐसा करो, देखो मटन कुन्ना भी मैंने बनाया था और निहारी भी बनाई थी, बड़ी मज़ेदार सी निहारी बनाई थी। तो आप ऐसा करो, मेरा पेज लाइक करो तड़का का, ठीक है? वहाँ पे आप जाके सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है। और आज का कोई सवाल? आज का सवाल नहीं है। अच्छा चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच कॉल की आपने, अच्छा लगा बात करके। ये मज़ेदार सा हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, ठीक है? और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाला है, ये तैयार हो गया। यहाँ पर कीमा हमारा भुन चुका है, टमाटर हमने एनएक्स के ब्लेंडर के अंदर वो आपके सामने पीस के वो डाल दिए हैं और झटपट सा ये हमारा जो कीमा भिंडी भी तैयार हो गया, ठीक है? तो इसको बस मैं मिक्स करती हूँ, दम पे थोड़ी देर जाएगा। भिंडी को मैंने फ्राई करके नहीं डाला, हमने ऐसे ही इसको भिंडी को डालना है और इसको बस अब थोड़ा सा दम पे रखेंगे, भिंडी इसके अंदर गल जाएगी, ऊपर हरा धनिया, पिसा गरम मसाला चला जाएगा, सही है? चलें जी, ऐसा करते हैं हम ब्रेक पे चलते हैं। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर तेज़ आग पर हाई फ्लेम पे मैंने भिंडी को भून लिया, लेकिन मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, इसलिए कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप खुद भी देख लें किस तरह से। हालांकि मैंने भिंडी को कोई फ्राई नहीं किया और भिंडी को कोई ज़्यादा इतना टाइम नहीं, मतलब फटाफट मैंने कीमा डाला, कीमे के अंदर मैंने नमक हल्दी अदरक लहसुन लाल मिर्च मैंने नहीं डाली, ठीक है? ये डालने के बाद काली मिर्च इसमें डाली है और उसके बाद मैंने टमाटरों को पीसा, टमाटर पीस के डाल दिए, सही है? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। अभी मैंने चूल्हा बंद किया हुआ है, ये हरी मिर्च मैंने मोटी वाली ली है और पहले मैंने इसमें इसलिए नहीं डाली कि ताकि वो फिर आपको पता है भिंडी और हरी मिर्च का क्या होता है, पता नहीं चलता जब आप खा रहे होते हैं तो निवाले में हरी मिर्च आ जाती है। तो ये अब ये बड़े बड़े पीसीज होंगे तो ये नज़र आएगा कि ये हरी मिर्च है और मैंने इसी वजह से हरी मिर्च को ज़रा बड़ी वाली ली है ताकि ये नज़र आए, वरना क्या होता है कि जब आप खा रहे होते हैं तो निवाले के अंदर हरी मिर्च आ जाए तो उस टाइम पर सारा खाने का मज़ा ही ख़राब हो जाता है। लेकिन आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की बनी है और बड़ी आसानी के साथ झटपट वाली, ठीक है? आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह जब भी आप भिंडी बनाएं, भिंडी के अंदर आपने हरी मिर्चों को मोटा मोटा कटिंग करके डालना है, बारीक नहीं डालना, या साबुत डाल दें या फिर मोटा करके। ये हरा धनिया और ये है पिसी हुई खटाई आमचूर, जो मैंने कहा था बाद में डालूंगी, इसी में थोड़ा सा मैंने पिसा गरम मसाला डाल दिया, ये देख लीजिएगा आमचूर और साथ में पिसा गरम मसाला। आप इसको थोड़ा सा बस दम पे रखेंगे ताकि ये जो हमने डाली है हरी मिर्चें इसका टेस्ट जो है इसके अंदर आ जाए और उसके साथ थोड़ा सा ये मज़ीद भून जाए, ठीक है? ये कीमा, कीमा मैंने चिकन का लिया है, अगर आप बीफ का ले रहे हैं या मटन ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपने पानी डाल के उसको गला लेना है, सही है? आप उसको गला लीजिएगा, वरना ये होगा कि वो फिर गलेगा नहीं। तो चिकन था तो मैंने हाई फ्लेम पे किया, अब इसको ढक के रख देते हैं, सही? ये तो हो गया हमारा। और यहाँ पर आप देखें इतना मज़ेदार पुलाव बना है, जो हमारा यहाँ पर हमने काबली पुलाव बनाया है, बहुत ही मज़ेदार। मैंने थोड़ी सी रेसिपी को चेंज किया, मैंने जो बीफ था जिसको मैंने बॉयल किया था बहुत अच्छे से, उसको थोड़ा सा काले मिर्च नमक डाल के एक टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करके अलग कर लिया, जिस तरह से आप जाते हैं कहीं ढाबे पे या किसी रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं खाने के लिए तो वो अलग अलग सारी चीज़ें सेपरेट होती हैं, वो मिक्स नहीं करते। बिरयानी भी आप देख लो, बिरयानी का चिकन आलू वगैरह अलग होते हैं, जब वो दे रहे होते हैं तो अलग अलग से डालते हैं। तो इसी तरह से मैंने ये भी किया, यहाँ पर देख लीजिएगा चिकन है और सॉरी बीफ है जो बॉयल किया हुआ खूब गला हुआ और बाकी ड्राई फ्रूट है, गाजर है और पुलाव का कलर कितना अच्छा, मैंने प्याज को ब्राउन किया अच्छी तरह से, पानी डाला ताकि उसका पानी का कलर जो निकल जाए, तो ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है। तो बस अब भिंडी को भी निकालते हैं, वो भी तकरीबन तैयार हो चुकी है, बस उसको निकाल लेते हैं और ऐसा करते हैं हम ब्रेक लेते हैं। रेसिपीज कार्ड हमारे आएंगे, हमारा ये रीकैप ब्रेक है और आप इसको नोट कीजिएगा और रेसिपीज को ट्राई कीजिएगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
कीमा भिंडी फ्राई, अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, भिंडियाँ 200 ग्राम, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया एक गट्ठी, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी खटाई 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मेथी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे। तरकीब, पहले तेल गर्म करके इसमें चिकन का कीमा डालकर तेज़ आंच पर भून लें, पानी खुश्क हो जाए तो उसमें कटे टमाटर और बारीक कटी हरी मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च, जीरा, हल्दी, पिसी खटाई, पिसा गर्म मसाला, मेथी और अदरक लहसुन का पेस्ट और भिंडियाँ डालकर 20 मिनट ढककर पकाएं। जब कीमा गल जाए तो उसे खूब अच्छी तरह भून लें। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें। काबुली पुलाव, अज्जा भीगे चावल आधा किलो, गाय का गोश्त आधा किलो, गाजर 750 ग्राम, किशमिश 300 ग्राम, बादाम 100 ग्राम, प्याज 2 अदद, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी 250 ग्राम, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे। तरकीब, पहले गाय के गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियाँ बनाकर उबाल लें। अब गाजर काटें और किशमिश भिगो दें, फिर बादाम भी छीलकर भिगोकर 30 मिनट रख दें। उसके बाद तेल में 2 अदद प्याज फ्राई करके लहसुन भी डालकर फ्राई कर लें। अब इसमें गोश्त शामिल करके 5 मिनट तक भून लें, फिर बीफ की यखनी डाल दें। उसके बाद इसमें चावल, गर्म मसाला, काली मिर्च और नमक शामिल कर लें। अब गाजर एक पैन में डालकर 2 खाने के चमचे तेल, चीनी शामिल करके धीमी आंच पर 2 मिनट पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें किशमिश और बादाम डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर चावलों को दम पर रखें और किशमिश बादाम छिड़क कर सर्व करें। कीमा भिंडी फ्राई, अज्जा चिकन का कीमा आधा किलो, भिंडियाँ 200 ग्राम, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया एक गट्ठी, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी खटाई 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मेथी 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सा ये काबली पुलाव बना है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट, बहुत अच्छा इसका लुक और बड़ा अच्छा गोश्त गला हुआ। गोश्त को बस बहुत अच्छे से गलाया करें। कोई भी आप खाना बनाते हैं, मैंने जब भी मतलब जो ख़ास तौर पे ये बारबेक्यू वगैरह का काम कर रहे होते हैं या फिर जो बड़े बड़े मटन की जैसे सब्जी वगैरह बना रहे होते हैं, तो वो भी हमेशा यही बात पे डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि मटन को या बीफ को आप स्लो फ्लेम पे पकाएं, आप हाई फ्लेम पे ना पकाएं। जितना स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो मैं गोश्त को क्या करती हूँ, घर में रख देती हूँ बॉयल करने, और मैं रखती हूँ मिट्टी की हांडी में। मैं प्रेशर कुकर में नहीं रखती, मिट्टी की हांडी में रख देती हूँ। तो हल्की आग पर, इतनी देर सुबह बाकी काम कर रही होती हूँ तो इतनी देर में गोश्त जो है हल्की आग पर गल जाता है और उसमें टेस्ट भी बड़ा अच्छा आ जाता है और गला भी होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब मैं नहीं लेके आती तब मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर मेरे पास यहाँ पर जैसे शेफ़ कुक वेयर है तो फिर उसके मैं प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि घर से इसको बॉयल करके लेके आए। और बाकी ये कि रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, भिंडी कीमा फ्राई बहुत मज़े का बना है, बड़ी आसानी से बना है, फटाफट बन गया और ज़ायका बड़े मज़ेदार से। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा और रोटी के साथ, चपाती के साथ खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगी। ट्राई कीजिएगा और उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। जहाँ तक कुन्ना की रेसिपी की या न्यारी का है, तो ये हम लोगों ने अभी आपने देखा होगा ईद से 1 वीक पहले ही हमने स्टार्ट कर दिया था सारी रेसिपीज़ को, तो अब बार बार वो दोबारा बना नहीं सकते। तो जो लोग चाह रहे हैं कि उन रेसिपीज़ को दिया जाए, और जिस तरह से उन्होंने कहा निहारी मसाले का, तो निहारी मसाला भी आपको मिल जाएगा, पर थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। ज़ाहिर है 2 साल पहले सारे मसाले बनाए थे 12 मसाले, तो वो थोड़े से आपको ढूंढने पड़ेंगे। आप वहाँ से ढूंढिएगा, निकाल लीजिएगा और आप घर के मसालों के साथ मज़ेदार बिरयानी, कोरमा वगैरह ये आप ट्राई कीजिएगा। और ये आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, कल 13 है, फिर 14 अगस्त को भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। 14 अगस्त को तो आपको पता है एक दिन एक ऐसा होता है जो हमारे लिए सब खुशी का दिन होता है। ठीक है जी, अच्छा फूड डायरी मेरे पास शुरू होगा, ठीक है। उसमें जरनक बना रही हैं, ऑट मिल्क केक बन रहा है और लौकी चना दाल, बिल्कुल आप लोगों ने मिस नहीं करनी। दोनों बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, तो आपने वो ट्राई करनी है और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, उससे तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।